आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताता हूं जिससे अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी जो तत्काल टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको 10:55 से ही अपना IRCTC का ऐप्स खोल लेना है और डेस्टिनेशन वगैरह डाल के आपको इस ऐप्स पर 11 बजे से पहले ही आना है और 11 बजते ही आप रिफ्रेश करने के लिए इस दो जगहों पर क्लिक कर सकते हैं, यह जो मैंने मार्क कर रखे हैं। एंड जैसे ही आपको सीट अवेलेबल दिखाई देती है आपको प्रोसेस कर देना है। इस मार्क पर क्लिक जरूर कर देना क्योंकि इससे आपकी टिकट इन केस कंफर्म नहीं हुई तो जो चार्ज कटेंगे वो चार्ज नहीं कटेंगे, आपको पूरा रिफंड मिलेगा। देन आपको पेमेंट के लिए ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वॉलेट वाला, UPI वाला नहीं, क्योंकि वो जो पेमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी है। तत्काल टिकट में अगर आप UPI को फॉलो करोगे तो फिर उसकी वजह से तत्काल टिकट नहीं होगी। और उसके बाद जो है आप पेमेंट वॉलेट से पेमेंट इंस्टेंट पेमेंट के बाद इसके बाद जो है आप पेमेंट वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टेंट पेमेंट के बाद आपका टिकट जनरेट हो जाएगी। अच्छा, इस बात का ध्यान जरूर रखना कि पेमेंट वॉलेट में आपको पहले से ही उतना पैसा होना चाहिए जितना कि टिकट है, उससे 150 एक्स्ट्रा ही रखना, कम मत रखना, यह पहले से ऐड करके